वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम जीन पियाजे पे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं और यकीन करिए आपको मजा आने वाला है। कोशिश ये नहीं है कि प्रश्न क्या है, कोशिश ये है कि पियाजे को इन्हीं प्रश्नों के बहाने साफ किया जाए। क्या है पियाजे के विचारों की मूल अवधारणा, तो चलेंगे एकदम, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे और आपको फुल व्याख्या दी जाएगी। पहला, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में किसके द्वारा सीखता है। एक बार सुनेंगे, बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में किसके द्वारा सीखता है। उत्तर है, निष्क्रिय शब्दों द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, नई अर्जित भाषा द्वारा, ऑप्शन डी इंद्रियों द्वारा। अब एक बार चलते हैं, व्याख्या करते हैं। देखिएगा, ये निष्क्रिय कोई भी अधिगम नहीं होता, इसलिए यह ऑप्शन पूरी तरह से क्या है, गलत है। अमूर्त चिंतन आता है चौथी अवस्था में, जो कि औपचारिक अवस्था है, आप सारे लोग जानते हैं, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। मैं आपको सीधा ऑप्शन रिजेक्ट करके दिखा रहा हूँ। नई अर्जित भाषा द्वारा, देखिए नई अर्जित भाषा द्वारा बच्चा चिंतन कर सकता है, पर कितना सीखता है हमको मालूम नहीं, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। और आप देख सकते हैं, संवेदी शब्द इंग्लिश के सेंसेशन से बना है, किससे, सेंसेशन से बना है, और सेंसेशन बना है किससे, सेंस से, और सेंस का अर्थ होता है इंद्रिय, अर्थात बच्चे के पास भाषा नहीं होती, इसलिए सीखने का माध्यम आँख नाक कान होता है, इसलिए पहली अवस्था में वह किसके द्वारा सीखता है, इंद्रिय द्वारा। तो गाइस, यकीन है क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। एंड नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। तो गाइस, एक बार मैं चाहता हूँ आप देखें इस बात को ताकि आप इसको समझ पाएँ। अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा हटता हूँ ताकि आप प्रश्न देख सको। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को नकार दिया किसने, पियाजे ने, और हम इसको देखेंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजन का समझ का सृजन खुद करते हैं, या कथन किसका है, ऑप्शन ए ब्रूनर का, या कई बार आया हुआ है गाइस सीटेट में, वाइगोत्स्की का, पियाजे का, कोहलबर्ग का। क्योंकि आप जानते हैं हमारे ऑप्शन में केवल पियाजे आज लिया गया है, तो उत्तर पियाजे है, पर यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। एक बार सुने गाइस, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा समाज से नहीं सीखता, उन्होंने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को नकार दिया। उसने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। उन्होंने कहा जब एक बच्चा, सोचिए, रसोई घर से एक चम्मच लेकर आता है, अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये क्या है, आपने नहीं कहा है चम्मच लाने के लिए, आपने नहीं कहा है कप लाने के लिए। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, खोज करता रहता है, ये क्या है, वो क्या है, आप थक के आए हो, आप सोने वाले हो, अचानक को चम्मच लेकर आता है, पापा ये क्या है, अचानक आपका मोजा उठा, पापा ये किस काम आता है। मतलब बच्चा एक खोजी है, खुद से सीखता है, उसे किसी आदमी के प्रेरणा, मतलब वो उसके अंदर भरी हुई उत्सुकता उसे सीखने पे मजबूर करती है, इसीलिए बच्चा खुद से सीखता है। और यहाँ एग्जैक्ट यही लिखा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, अर्थात यह कथन किसका है, जीन पियाजे का। तो क्वेश्चन नहीं, यहाँ व्याख्या इंपॉर्टेंट थी। बौद्धिक विकास की चार अवस्थाएं किसने दी हैं, तो गाइस हम सभी लोग जानते हैं बौद्धिक विकास की चार अवस्थाएं किसने दी हैं, तो एक बार चलिए आपको दिखा देता हूँ। कोहलबर्ग ने दी है 3 अवस्थाएं, सब लोगों को मालूम है, रूढ़ी, पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व नैतिक, फिर रूढ़िवादी या नैतिक, तीसरा उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर नैतिक अवस्था, हम इसे उत्तर परंपरावादी भी कह सकते हो आप। तो कोहलबर्ग ने 3 दिए हैं, अर्थात एक बात तो साफ है, कोहलबर्ग हमारा उत्तर नहीं है। वाइगोत्स्की ने ऐसी कोई अवस्था नहीं दी है, इसलिए वाइगोत्स्की भी हमारा उत्तर नहीं है। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं, आपको मालूम है ब्रूनर ने हमें कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और लास्ट में है प्रतीकात्मक अवस्था, अर्थात उन्होंने भी कितनी अवस्थाएँ बताई हैं, 3, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, जीन पियाजे, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक बार फिर से सुनेंगे, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 12, 11 12 का मध्य, कहीं कहीं 11 लिखा रहता है तो आप 7 से 11 भी मान सकते हो, और फिर लास्ट में है औपचारिक या अमूर्त चिंतन की अवस्था, और इसे हम क्या बोलते हैं, 11 से 15 16, 11 से 15 हम मान सकते हैं। तो यह रहा इसका उत्तर। बालकों की सोच, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों की सोच मूर्त होती है, तो आप देखोगे 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी है, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 12 वर्ष से वयस्क तक, बिल्कुल गलत, क्योंकि यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जब अमूर्त चिंतन होता है, और लास्ट में कोई नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, 7 से 12 वर्ष, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तभी भी मैंने बताया
देखिए गाइज, इस उम्र में एक बात खास होती है, बच्चा केवल, ध्यान रखिए, अगर बच्चे से आप कहोगे बच्चा माना राम ने श्याम को 100 रुपये दिया, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा आप 100 रुपये दे के दिखाओ। आई मीन बच्चा भला अमूर्त चिंतन क्यों करेगा? कभी आपने कक्षा 3-4 में ऐसा सवाल देखा है माना एक्स बराबर है 100 रुपये का? आप नहीं देखेंगे, आप 5वीं 6वीं या 7वीं कक्षा से देखेंगे, क्योंकि तब तक बच्चे में अमूर्त और तार्किक चिंतन का विकास नहीं होता। बच्चा केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में सोच सकता है जो उसकी आँखों के सामने दिखाई दे रही हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है 7 से 12 वर्ष। तो अब चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे की संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता है। तो गाइज आप देखेंगे तो अभी अभी आप देखो, तार्किक चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन नहीं, विलोमीयता नहीं, सही उत्तर है इंद्रियों एवं अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चा किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा, या फिर किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा। तो अभी चलेंगे गाइज, हम लेंगे इसकी यह अवस्था और हम लेंगे लास्ट में, फिर से चुनेंगे, तार्किक चिंतन आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त चिंतन भी आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, विलोमीयता आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ये गलत उत्तर है, इसलिए डी सही उत्तर है, इंद्रियों एवं अनुकरण द्वारा सीखना। तो बच्चा क्या सीखता है? बच्चे का ज्ञान इंद्रियों से, भूख लगेगी तो किससे चिल्लाने वाला है? उसी तरह रोने वाला है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होता है। भूख प्यास जन्मजात मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होते हैं, जिन्हें भूख कौन फील करता है? हमारी इंद्रियां। ये मत कभी सोचिएगा भूख पेट नहीं फील करता, भूख का मैसेज हमारे ब्रेन को मिलता है। इसलिए वह किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण द्वारा। बेटा पापा कह, हमारा एक बड़ा शौक होता है हमारे समाज में, बेटा पापा कह, मामा कह, नाना कह, बच्चा सारे शब्द एक साथ तो बोल नहीं पाता, इसलिए एक एक अक्षर से शुरू करता है, माँ पा बा ना, अर्थात बच्चा इंद्रियों एवं अनुकरण द्वारा सीखता है। अगला क्या है? नई सूचना के कारण पुरानी सूचना में संशोधन क्या कहलाता है? देखिए गाइज, आत्मसातीकरण होता है किसी सूचना को स्वीकार करके अपने हिसाब से ढालना। जैसे टीचर ने अकबर पढ़ाया, उन्होंने एकदम विधिवत लेंदी पढ़ाया, आपने अकबर पे एक ट्रिक बना ली टीचर से भी आसान, तो यह क्या कहलाएगी? आत्मसातीकरण। सूचना को अपने हिसाब से क्या करना? ढालना। समायोजन, स्कीमा, बच्चे की, जैसे हमारे कंप्यूटर में एक मोबाइल चिप होती है मेरे दोस्त, वैसे ही बच्चे का स्कीमा होता है। बच्चा, जैसे हमारे मोबाइल चिप में हमारे गाने, ऑडियो, वीडियो, स्कीमा वो जगह है, वो स्टोर हाउस है जहाँ बच्चा अपनी सूचनाएं रखता है, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं है, इसे हम स्टोरेज रूम कह सकते हैं, या लेट्स कॉल इट स्टोरेज। जीववाद, बच्चे को लगता है खिलौने में, आपने सुना होगा बच्चे कहते रहते हैं कि मेरा खिलौना मारता है, मेरा हाथी भागता है, मैं अपने हाथी से अपने मामा जी के यहाँ गया था, ये सारी बकवास जीववाद कहलाती है और यह हमारी विशेषता नहीं है। हमारा उत्तर क्या है? समायोजन। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे। एक बच्चे ने देखी क्या? बिल्ली। अब उसने बिल्ली देखी तो समायोजन कैसे है? अब उसने बिल्ली को कैसे याद किया? 4 पैर 2 आँख 2 नाक ये सब दिखे तो बिल्ली मानने का। अब कुछ दिन बाद बेचारे का सामना क्या हो गया? कुत्ते से। और आप सब जानते हैं लफड़ा होने वाला है। लफड़ा क्या है? बच्चा देखता क्या है? शारीरिक संरचना मिलती है किसकी? कुत्ते की और बिल्ली की। तो सुनिए, पुरानी सूचना के आधार पर अब क्या हुआ कि नई सूचना आने से पुरानी सूचना में क्या हो गया? विरोध पैदा हो गया। और जब विरोध पैदा हो गया तो सुनना चालाक बच्चा, देखिए एक डॉक्टर, एक चिकित्सक, एक वैज्ञानिक से तेज भी काम करता है, इधर लिखता है दिमाग में कुत्ता और इधर लिखता है क्या? बिल्ली। और नया अंतर कैसे कर रहा है? कुत्ता भौं भौं भौंकता है और बिल्ली म्याव म्याव करती है। और गाइस यह नई क्या कह रहा है? नई सूचना के कारण पुरानी सूचना में संशोधन हो रहा है। अब नया अंतर, पहले जो अंतर शारीरिक रचना के आधार पर था, वह नया अंतर अब किसके आधार पर हो रहा है? आवाज़ के आधार पर। इसलिए इसका सही उत्तर मेरे दोस्त क्या है? समायोजन। फिर से सुनिएगा, जब बच्चे की पुरानी सूचना में किसी नई सूचना की वजह से अंतर विरोध पैदा हो तो उसे हम फिर से संशोधन करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। और अब चलेंगे गाइज, हम लेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो एक अब आप देख ही सकते हो, अभी पहले ही बता चुका हूँ, वस्तु न होने पर भी बच्चा सोचता है माना राम ने श्याम को 100 रुपये दिया, न तो राम है न तो श्याम है, फिर भी इमेजिन कर रहा है 100 रुपये दिए होंगे, यह अमूर्त चिंतन एकदम सही।
दूसरा क्या है, तार्किक चिंतन। याद करो हमको प्रमेय निर्मेय इस उम्र में शुद्ध कराए जाते हैं, अर्थात तार्किक चिंतन भी पाया जाता है। बच्चा सोचता है एक सवाल को पहले से कितना जल्दी लगा लूँ, और जल्दी लगाने के लिए उसे नई विधि ईजाद करनी पड़ेगी, इसलिए पाया जाता है क्या, अपसारी चिंतन। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये सभी। एक बार फिर से सुनिएगा, अमूर्त चिंतन, वस्तु न होने पर भी सोचना। उन्होंने क्या कहा, माना राम ने श्याम को 100 रुपये दिए, तो वास्तव में न तो राम मौजूद है न श्याम, फिर भी बच्चा इमेजिन कर लेता है, यह अमूर्त चिंतन है। तर्कों के सहारे प्रमेय निर्मेय सिद्ध करना तार्किक चिंतन है। एक ही चीज़ को कई तरीकों से करने की कोशिश करना अपसारी चिंतन है, अर्थात इसका उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी। और अब आएगा विलोमीयता होती है, पहले आप जान ले दोस्त विलोमीयता, मूल बिंदु पर वापस लौटना, वस्तु अस्थायित्व, समायोजन। और आप देख ही चुके हो समायोजन तो है ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी मैंने आपको समायोजन का मतलब बताया, अर्थात इसका उत्तर यह नहीं है, कोई नहीं का चांस नहीं है, वस्तु अस्थायित्व तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, मूल बिंदु पर वापस लौटना। तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ क्या होती है वास्तव में विलोमीयता। याद करिए, हम 3 में 2 जोड़ते थे और उत्तर कितना निकाल लेते थे, 5। हम 3 में 2 जोड़ते थे और उत्तर 5 निकाल लेते थे, पर क्या कभी भी हम 3 और 2 पे वापस जा पाए, उत्तर है नहीं मेरे दोस्त, उत्तर है नहीं। हम कैसे जोड़ते थे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको सीधा कितनी रेखाएं दिख रही हैं, 5। अब इसमें कहोगे बेटा वापस 2 को ले आओ 3 को ले आओ, क्या आप छोटी उम्र में ले आ पाए, उत्तर है नहीं। हम मूल बिंदु, हमको टीचर पढ़ा रहा था वह, अचानक उसने क बना दिया, पूछा बेटा वह कहाँ गया, हम कभी वह को वापस ढूंढ नहीं पाए। मूल बिंदु पर थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर बच्चा मूल बिंदु को भूल जाता है, यह विलोमीयता का अभाव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह विलोमीयता नहीं कहलाती, यह विलोमीयता का अभाव कहलाता है। तो वापस ये है कि विलोमीयता क्या है, तो विलोमीयता मेरे दोस्त क्या है, जब बच्चा मूल बिंदु पे वापस लौट आए तो यही क्या कहलाती है, विलोमीयता। और ये क्या होती है, आपको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, वो समझ जाता है कि 5 में 3 का गुणा करने से 15 आता है, पर फिर भी जब वो पहले 5 और 3 वापस नहीं ले आ पा रहा था, अब वो समझ गया है कि 5 और 3 कभी भी वापस लिए जा सकते हैं, बस क्या करना पड़ेगा, 15 में 5 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, और 15 में 3 का भाग देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अर्थात मूल बिंदु पर कभी भी लौट सकते हैं, मतलब विलोमीयता के अभाव का उल्टा, मूल बिंदु पर कभी भी लौट सकते हैं, और यह क्या कहलाता है, विलोमीयता। और साफ साफ लिखा है मूल बिंदु पर वापस लौटना। अगला, पियाजे के अनुसार भाषा का प्रकार है। तो गाइज आपको थोड़ा एक कहानी बता दूं, उत्तर है दोनों, इसका उत्तर है दोनों। तो चलेंगे एक बार बताएंगे क्या है पियाजे का भाषा विचार। पियाजे ने एक जगह थी जिसका नाम था रूसो इंस्टीट्यूट, वहाँ 19-20 बच्चे जो शैशवावस्था के थे उन्हें एक रूम में बंद कर दिया। जब उन्होंने रूम में बंद कर दिया तो पियाजे को ऐसा लगा कि बच्चे आपस में बातें करेंगे, पर जब उन्होंने कान लगा के सुना तो पियाजे चौंक गए, 200 बच्चे एक साथ बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि 19 श्रोता होने के बावजूद बच्चा अकेले ही बकबक कर रहा है, तो लोग मैं बोलता हूँ, मैं लोग तो बोलता है, बच्चों का तो आप जानते ही कहानी। तो उन्होंने कहा बच्चा जब श्रोता को महत्व ही नहीं दे रहा है तो खुद ही बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है, एक स्वार्थी की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए बच्चे की भाषा क्या होती है, अहम केंद्रित या स्वार्थी। फिर उन्होंने कहा बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, वो अब समझ जाता है कि अकेले बोलने सुनने से समाज नहीं चलता, अब वो सोचता है पहले मैं बोलूं तो सामने वाला सुन रहा है, जब वो बोले तो मुझे भी क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। यह दो तरफा माध्यम ही भाषा कहलाती है, और ऐसी भाषा को पियाजे ने क्या बोला है, सामाजीकृत। जिनका नोट्स आप बना लीजिएगा, इसलिए सही उत्तर क्या है दोस्त, दोनों ही। और लास्ट में पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व है। गाइस यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको चलिए एक बार बता देता हूँ, वस्तु का स्थायी होना नहीं, गलत उत्तर है। अमूर्त चिंतन गलत उत्तर है। वस्तु का न होना भी गलत उत्तर है। अर्थात सही उत्तर क्या है, वस्तु भले ही न दिखे पर उसका अस्तित्व रहता है। प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या है वस्तु अस्थायी। बच्चा इतना चालाक होता है जब वो देखता है उसे भूख लगती है, सुनिएगा आप ध्यान से, हाँ वस्तु अस्थायित्व क्या है, जब बच्चे को भूख लगती है तो आसपास कमरे पे निगाह दौड़ाता है, देखता है मम्मी कहीं नहीं है, पर सुनिए फिर वो क्या करता है, वो अपना गला फाड़ फाड़ के रोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मम्मी कहीं ना कहीं से आएंगी। और ऐसा ही होता है, मम्मी आ जाती है, खिलौना खेल रहा है, खिलौना पालने के नीचे गिर गया, उसको खिलौना नहीं दिख रहा है पर वो गला फाड़ के चिल्लाता है, क्योंकि वो जान रहा है कुछ देर बाद कोई ना कोई आएगा खिलौना देगा। अर्थात भले ही वस्तु ना दिख रही हो पर वस्तु है,
उसकी मम्मी उसे रूम में नहीं दिख रही है, पर वो जानता है किचन में या घर के किसी कोने में मम्मी है, मेरे रोने से वो वापस आएंगी। खिलौना नहीं दिख रहा है, पर वो जानता है खिलौना पालने के नीचे गिरा है, कहीं ना कहीं जरूर है, लोग उसे देंगे। तो गाइज यह रहा वस्तु स्थायित्व। आशा करता हूँ दोस्त यह लेक्चर आपको पसंद आएगा। और गाइज हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो लोग अभी भी लेट हो गए हैं, हमने प्राइस घटा के 2090 कर दिया है, 2090 कर दिया है, तो इसको देखते हुए गाइज आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। नंबर से 8299310097 9305077569 इन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आप यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और आप वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ, प्लीज़ राइट योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स प्लीज़ लिखें और मुझे बताएं कैसा लगा ये वीडियो गाइज। अब आज माफ़ करिएगा क्योंकि दिनों से थोड़ा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम रही, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, पर कल से वादा करता हूँ आज ये रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, पर आपको कल से जैसा मैं ले रहा था मैं आपको अब ऑनलाइन क्लासेस दूंगा। तो जैसे हम लोग रूबरू हो रहे थे एक दूसरे से, एंड प्लीज़ गाइज जस्ट कम जस्ट डू शेयर एंड प्लीज़ डू शेयर, कृपया प्लीज़ शेयर ही करिए, ज़रूरतमंद गरीब लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं गाइज, प्लीज़ शेयर। थैंक यू गाइज, थैंक यू।